रशियन बायोकेमिस्ट अलेक्जेंडर ओपरिन और ब्रिटिश साइंटिस्ट जेबीएस हेल्डेन ने सेपरेटली एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसे हम ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने पृथ्वी पर जीवन किस तरह से आया होगा उसका स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताया था। अपनी हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा था कि इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। उन्होंने ये इमेजिन किया कि ये सारे केमिकल रिएक्शंस प्रीमॉडियल सूप के अंदर हुए होंगे। ओपरिन ने उस पानी को प्रीमॉडियल सूप का नाम दिया था, वहीं हेल्डेन ने उसे हॉट डाइल्यूट सूप का नाम दिया था। ये सभी उनके आइडियाज थे, उनकी परिकल्पनाएं थी, जिसे साइंटिफिक आधार यानी कि साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत थी, जिसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले सामने आते हैं अमेरिकन केमिस्ट हैरोल्ड यूरे और स्टैनली मिलर। 1952 के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मिलर ने इसे परफॉर्म किया था और यूरे ने इसे सुपरवाइज किया था, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर इस एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया गया। उन्होंने सोचा कि वो प्रिमिटिव अर्थ जैसी कंडीशंस क्रिएट करेंगे और फिर ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्या सच में इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं जैसे ओपरिन और हेल्डेन ने कहा था। ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस के हिसाब से प्रिमिटिव अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था और पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं था, लेकिन वो वाटर वेपर के रूप में अर्थ के एटमोसफेयर में प्रेजेंट था। इसीलिए उन्होंने एक फ्लास्क में पानी लिया और उसे बॉईल किया ताकि वो वाटर वेपर यूज कर सके। इसके बाद एक स्पार्क चैम्बर लिया गया जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उनमें हाई वोल्टेज पास की गई ताकि उनमें स्पार्क हो और वो प्रिमिटिव अर्थ पे गिरने वाली बिजली की तरह काम करे। साथ ही उस स्पार्क चैम्बर में तीन गैसेस यानी कि मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसेस भी मिक्स की गईं। अब इस स्पार्क चैम्बर में वाटर वेपर के साथ साथ तीन गैसेस घूम रही थीं और इलेक्ट्रोड से पास होने वाली बिजली एनर्जी सोर्स का काम कर रही थी। एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए उन्होंने कंडेंसर का यूज किया था। वाटर वेपर के साथ वो गैसेस मिक्स हो जाती थी और कंडेंसर उस वाटर वेपर को ठंडा करता था और वाटर वेपर ठंडी होके कंडेंस होके पानी की फॉर्म में बदल जाती थी और वो फिर से आगे पहले वाले फ्लास्क में जाती थी और सेम साइकिल फिर से रिपीट होती थी। एक हफ्ते ये एक्सपेरिमेंट चलने के बाद जो पानी था वो ब्राउनिश ब्लैक हो चुका था। उस पानी में बहुत तरह के अमीनो एसिड्स, शुगर, लिपिड्स और बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। मिलर को इसमें ग्लाइसिन, अल्फा एलेनिन, बीटा एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, अल्फा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड जैसे अमीनो एसिड्स मिले। यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट से हमें लेफ्ट और राइट हैंडेड दोनों तरह के अमीनो एसिड्स मिले थे। तो ये था यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का गोल जीता जागता एक लिविंग क्रिएचर बनाने का नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ओपरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस की पहली कंडीशन को टेस्ट करना चाहते थे कि क्या सच में सिंपल केमिकल से सर्टेन कंडीशंस में अमीनो एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाना पॉसिबल है या नहीं। और उनके इस एक्सपेरिमेंट से ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया कि ऐसा पॉसिबल है। इसके अलावा टॉपिक से हटके अगर एक्स्ट्रा नोट्स की बात की जाए तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था अमीनो एसिड्स क्रिएट करने का। साइंटिस्ट ये निश्चित रूप से नहीं जानते कि जो गैसेस मिलर ने यूज की थी वो सच में प्रिमिटिव अर्थ पर कॉमन थी या नहीं, या जो एक्सपेरिमेंट मिलर ने क्रिएट किया था क्या सच में वैसा ही एनवायरनमेंट पृथ्वी पर था या उससे अलग था। इसीलिए काफी सारे और एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करके किए गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।